नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के प्रति कोई भी अवसर ना चूकने वाले सुहरदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस समय चुप क्यों हैं? आज इस पे चर्चा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे द्वंद में तमाम तरह के लोग एंट्री कर रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे स्टेटों के नेता घुस रहे हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच चल रहे इस तनाव में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री हो गई है। इसके बावजूद सुहरदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मौन रहना कुछ आश्चर्यजनक दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसा कोई अवसर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं चूकते थे। जैसे ही अवसर मिलता था, तनिक भी अवसर मिलता था, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति तुरंत वो हमलावर हो जा रहे थे। अभी एक हफ्ते पहले तक इंडिया गठबंधन को टूटने की भविष्यवाणी ओम प्रकाश राजभर जी करते रहे हैं और अब इस घटना के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्ख बयानबाजी के बाद इंडिया गठबंधन कुछ हिलता नजर आ रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहाँ गायब हैं? पिछले एक सप्ताह से वो कुछ ट्विटर पे भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ना तो उनकी राजनीतिक गतिविधि सार्वजनिक रूप से कहीं आ रही है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें बहुजन समाज पार्टी ने क्या कह दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इसमें एंट्री करते हुए कह दिया है कि समाजवादी पार्टी का कोई आधार ही नहीं उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। इस कारण समाजवादी पार्टी को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अखिलेश यादव पे हमलावर हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता कांग्रेस पे हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय पे हमलावर है। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक समीक्षक, राजनीतिक विश्लेषक इस बात की विवेचना कर रहे हैं कि ऐसे मौके पर जब ओम प्रकाश राजभर जी का भी अब तक बयान आ जाना चाहिए था, ओम प्रकाश राजभर इस मामले में खामोश क्यों है। तो इस पे अगर विचार आप करें तो इसमें सीधा सीधा हमें जो दिखाई दे रहा है, ओम प्रकाश राजभर इस समय किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश राजभर कोई रिस्क उठा के किसी भी प्रकार का बितंडा नहीं खड़ा करना चाहते हैं और अब उनके जो बयान आ रहे हैं उनके बयानों में काफ़ी गंभीरता दिखाई दे रही है, काफ़ी अस्पष्टता दिखाई दे रही है और वो एनडीए के लिए ईमानदारी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही मुख्य कारण है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की जो संभावना है, अतिशीघ्र होने की जो बात चल रही है, इसके कारण ओम प्रकाश राजभर की खामोशी प्रतीत होती है। ऐसा समझा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक इसी बात को मान रहे हैं। बस साथियों, इस विषय पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके बताइएगा।
हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए साथियों, अन्य साथियों तक यह बात पहुंच जाएगी, लाइक करिएगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। बस साथियों, इसी वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।